नमस्कार, मेरा नाम विजय कियावत है। मैंने 1967 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की और 41 साल काम करने के बाद 2008 में रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने चित्रकला का सहारा लिया अपना समय व्यतीत करने के लिए। अब इस तालाबंदी के दौरान मैंने और मेरी पत्नी ने ये निर्णय लिया कि हम जिंदगी में ऊब नहीं आने देंगे और कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे कला के साथ। इस दौरान हमने कई वेबिनार अटेंड किए, बटरफ्लाइज के ऊपर, डैमसेल फ्लाइज के ऊपर, चिड़ियाओं के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, और कुछ आर्ट की स्पेशल क्लासेस भी ली। तो मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि इस तालाबंदी के दौरान गए 40 दिनों में मैंने क्या क्या किया अपनी कला के दायरे में। तो चलिए मेरे स्टूडियो में आपको ले चलता हूँ। तो मित्रों, ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरी वर्क टेबल है। यहाँ पे पैलेट हैं, ब्रशेस हैं, पानी है, और इस कैबिनेट में मैं अपने आर्ट का मटेरियल रखता हूँ। और ये एक पेंटिंग जो मैंने तालाबंदी के दौरान शुरू की थी, ये बहुत बड़ी वाटर कलर पेंटिंग है, 40 इंच बाई 60 इंच। इसमें मैंने भूटान की एक प्रथा के बारे में चित्रित किया है। भूटान में एक प्रथा है सासा रखने की। सासा मतलब मिट्टी के स्तूप। उन्हें वहां के लोग अपनी पूर्वजों की याद में पहाड़ों के कोनों में, खांचों में, गड्ढों में रख देते हैं और फिर उनको जाते हैं जंगलों में देखने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। तो ये तीन भिक्षुक यहाँ आए हुए हैं पहाड़ों पे, और ये जो सासा रखे हुए हैं इनको देखने के लिए आए हैं, और इसके माध्यम से वे अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक डेली जर्नल जो बनाया है वो कैसा दिखता है, जिसमें मैंने रोज की इमोशन और एक्टिविटी को दर्शाया है। तो तालाबंदी के दिनों में मैंने एक आर्ट जर्नल बनाना शुरू किया, जिसमें कि रोज एक एक्टिविटी या कोई मन में जो विचार हैं उसको चित्रों के द्वारा दिखाना है। तो इस दिन मैंने दिखाया कि मैंने एक बड़ी पेंटिंग पे काम किया। इस दिन दिखाया कि घर के अंदर ही फिगर ऑफ एट में हमने 40 मिनट तक घर के अंदर सैर की, और ये तालाबंदी सिंबॉलिक तरीके से दिखाई है। ये एक बड़े ही मजाकिये तरीके से मैंने पानी पिलाया गमलों को आसमान पे ले जाके, वो दिखाया है। फिर एक इंजीनियर किस तरह से मजाकिये तरीके में स्क्रू ड्राइवर से मिट्टी ढीली कर रहा है, वो दिखाया। और अगले दिन एक हल को लगा दिया मिट्टी को ढीली करने के लिए गमले में, तो एक बड़ा मजाकिया तरीका हो गया यहाँ पे। ये शांत दिन था, पानी बिल्कुल शांत था इस दिन। इस दिन मैंने कोलाज आर्ट सीखा। इस दिन वाटर ट्यूब्स को रीऑर्गेनाइज किया। रात को हमने एक बड़ी हॉरर मूवी देखी थी, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं इधर से उधर टहलता रहा, और रात को बिल्कुल क्रूएल सीन दिमाग में आते रहे। यहाँ पे दर्शाया है कि मेरी वाइफ का अंगूठा हरा है, जिससे कि पानी डालते से ही गमले में ही केले के पेड़ में फल आ जाते हैं। यहाँ पे दर्शाया है कि घर में सैर करते हुए भी आप क्या क्या सोच सकते हैं मन में। यहाँ पे सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क को सोच रहा हूँ मैं, और घर में घूम रहा हूँ। ये एक कुत्ते के जरिए गर्मी का एहसास कराया जा रहा है। ये विंड चाइम के जरिए दर्शाया जा रहा है कि मेडिटेशन के पहले कैसे दिमाग में उलझन होती है और मेडिटेशन के बाद कैसे पूरा दिमाग सुलझ जाता है। ये घूमड़ घूमड़ के बारिश हो रही है। ये मन में बहुत टेंशन है, तो बड़े गहरे गहरे रंग हैं, और इस दिन मन में बहुत शांति है तो कलर्स बड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसी तरह से ये जर्नल चलता रहेगा रोज, जब तक ये तालाबंदी चल रही है। अंत में मैं आप दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस तालाबंदी के दौरान हम सरकार के सब नियमों का पालन करें, उन्हें तोड़े नहीं। और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं,
पुलिस कर्मचारी हैं, खाना वितरण में जो लोग लगे हुए हैं, इनके काम में रुकावट नहीं डालें, इन्हें अपने अच्छा काम करने दें, इनको इज्जत से देखें, इनकी मदद करें ताकि ये हौसले से उत्साह से अपना काम कर सकें और कोरोना के युद्ध में हमें जीत हासिल करने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।